रुक जाइए। चलिए चलिए चलिए। शैतान वज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सिर्फ लाने के लिए 4000 गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है। वाराणसी से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब निकल चुके हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पर वह आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए 4000 गाड़ियों का काफिला अभी से ही वहाँ पर रवाना हो चुका है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लगातार अपनी क़यादत को मजबूत बना रहे हैं और अपनी पार्टी को स्टैंड कर रहे हैं, आज उसी की बदौलत है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का काफिला जहां कहीं से भी गुजरता है तो वहाँ पर जिस तरह से लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत में उनको देखने और उनसे हाथ मिलाने के लिए लाखों का सैलाब उमड़कर दिखाई देता है। क्योंकि आज जिस तरह से इलाहाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वर्कर्स जिस तरह से वहां पर तैयारियां कर रहे हैं और लगातार 4000 गाड़ियों से भी ज़्यादा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को रिसीव करने के लिए वहां के लोग निकल चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमीन इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं, तो आप सब मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का गर्मजोशी से इस्तकबाल करें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो अज़्म और जो इरादा लेकर उत्तर प्रदेश को वो आ रहे हैं, अल्लाह उस अज़्म और उस इरादे को यहाँ पर कामयाब बनाए। और आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।